आप सबको गुड आफ्टरनून एंड ये जो प्रेजेंटेशन है एक बहुत बढ़िया स्पेशल प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आप लोगों को ज्ञान का वाइब्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है एंड क्या ये सही में काम करता है या नहीं करता है इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि इस सब्जेक्ट में ज्ञान वाइब्रेशन नंबर को कैसे ट्रेंड फोरकास्टिंग में आप यूज करें इसके ऊपर में जनवरी 2023 में मेरा वेबिनार होने वाला है। उसमें मैं इसका डिटेल प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगा। फिर भी आज ये समझ लीजिए कि कैसे वाइब्रेशन नंबर निकाले, क्या सही में ये वाइब्रेशन नंबर काम करता है, आप खुद चेक कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसमें ज्ञान के ऊपर में स्मार्ट फाइनेंस का जो डोमेन है इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हम लोग रखे हुए हैं जैसे कि ज्ञान का हेक्सागन का प्रिंसिपल हुआ, नेचुरल नंबर को जो नेचुरल कंस्टेंट को लेके कैसे ज्ञान का फोरकास्टिंग करें इसके ऊपर हुआ, या जितने भी ज्ञान के जो अदर कॉन्सेप्ट बने यानी कि आपका जो टेट्राहेड्रन वाला जो कॉन्सेप्ट बना यानी कि कैसे सिर्फ स्क्वायर ऑफ नाइन नहीं है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ज्ञान में भी है, वो सारे चीज भी ये कोर्स में मैं इन डिटेल बताया हूं आप लोगों को एक्सेल शीट के साथ में एंड ये सारे सेगमेंट में काम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी देख लेते हैं कि ये जो ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर है क्या ये सही में काम करता है इसके बारे में देखें। अच्छा फिलहाल जो नवंबर का वेबिनार होने वाला है वो शुरू होगा 25 नवंबर को। इसमें डब्ल्यूटी ज्ञान के कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट है, जो क्रिप्टो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है, ये सारे चीज इसमें मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। आज 22 नवंबर 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन को क्लोज किया जाएगा। तो अभी चलते हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर में ज्ञान का वाइब्रेशन नंबर क्या है। तो वाइब्रेशन नंबर हम जब बोलते हैं, कोई भी नंबर जब हम 183 ऐसे बोलते हैं तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अलग अलग होते हैं। इसमें जितने भी 183 ये सारे हुए प्लेस वैल्यू, वन का प्लेस वैल्यू क्या है वन, वन का फेस वैल्यू क्या है 1 × 100, 100 प्लेस में ये है। जो भी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होते हैं ये प्लेस वैल्यू होते हैं इंडिविजुअल नंबर्स, ये बेसिक एलिमेंटरी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स है इसको सब हम ऐड करेंगे, ऐड करके जितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम रिड्यूस करेंगे एक सिंगल डिजिट नंबर में, सिंगल डिजिट नंबर में, एंड वही सिंगल डिजिट नंबर को रूट नंबर बोला जाता है। जैसे कि एक पौधा होता है तो उसका सीड होता है, सीड रूट। तो यहाँ पे जो 20 नंबर बोलते हैं वो 20 नंबर यही है एंड ये नंबर निकालने के बाद में अगर यही नंबर कोई एक मंथली हाई मंथली लो इससे निकाला गया तो उसको ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर माना जाएगा। इंट्राडे हाई का लो का भी आप निकाल सकते। तो यहाँ पे आपने देखे मैंने निफ्टी का 18,256.55 को लिया, सारे चीज को ऐड किया, 1 + 8 + 2 + 5 + 6 ये डेसिमल के बाद में भी जो 5 5 है इसको भी ऐड किया, ये आया 32, 32 ये 32 में 3 + 2 को भी ऐड किया ये आया 5। यानी कि अभी ज्ञान का मेथड के हिसाब से अगर ये 18,256.55 मंथली हाई है या लो है तो ये 5 ही इसका वाइब्रेशन नंबर है एंड इस वाइब्रेशन नंबर को लेके बहुत सारा ज्ञान एनालिसिस किया जा सकता है।
इसका एंगुलर वैल्यू इसको निकाल के, इसका बहुत सारा वैल्यू इसको निकाल के हम कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, क्या सही में ये जो वाइब्रेशन नंबर है ये काम करता है? मैंने निफ्टी का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर चार महीने का निफ्टी का हाईज, मंथली हाईज एंड मंथली लोज को लिया एंड इसी हिसाब से इनका वाइब्रेशन नंबर निकाला। आप देखिए अगस्त में निकल रहा है 3 हाई से, सितंबर में 3, अक्टूबर में भी 3, नवंबर में आप देख रहे हैं 7, बट ये जो 15 पैसा है अगर इसको मैं 20 पैसा कर देता हूँ, वही प्राइस को रखे 18,442.20 कर देता हूँ, ये भी निकलेगा 3। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो भी हम यहाँ पे जो भी हम वाइब्रेशन नंबर निकाले मंथली हाइज का, हर जगह में ये 3 ही आया। उसी तरह से अगर हम मंथली लोज निकाले तो अगस्त में आता है 8, सितंबर में 5 निकला, अक्टूबर में 8 निकला एंड यहाँ पे नवंबर में 6 निकला। यहाँ पे 2 मैचिंग हो रहा है, 8 दो नंबर्स मैच नहीं हो रहा है, फिर भी ये दो नंबर का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है 5 और 6 का, 5 और 6 का भी कुछ रिलेशन से। तो ये जो वाइब्रेशन नंबर आपका निकला यहाँ पे 3 निकला, 8 निकला, मेजोरिटी यहाँ पे 3 है तो 3 को पकड़ेंगे, मेजोरिटी और रिपीटेटिव नंबर ये 8, 8 को पकड़ेंगे। अगर एक साल का आप लेते हैं तो एक साल में भी आपको एक सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा जो मेजोरिटी टाइम्स रिपीट होता है इन हाई एंड लोज। तो इसको थोड़ा सा आगे अगर हम सोचे, ज्ञान ने दो अलग चीज बताई यहाँ पे, एक हुआ आपका वाइब्रेशन नंबर का डायरेक्ट कैलकुलेशन, जो रिपीटेटिव नंबर, जो नंबर बार बार कैलकुलेशन में रिपीट होता है वही आ गया वाइब्रेशन नंबर। यही दोनों रिपीटेटिव नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं एंड उसी हिसाब से उसको सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट करते हैं एंड यही दो जो रिपीटेटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़ा नंबर से छोटा नंबर, वो भी जो निकलता है सम वाइब्रेशन नंबर्स, सम ऑफ वाइब्रेशन नंबर्स और जो भी आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वाइब्रेशन नंबर, ये निकलेगा। यानी कि 3, 8 के अलावा 2 और 5 भी इसका वाइब्रेशन नंबर है मंथली हाईज एंड लोज का। इसके अलावा इसका जितने भी मल्टीपल, यानी कि 2 का जितने भी मल्टीपल 10 के नीचे में है, 2 × 1 हुआ, 2 × 2 हुआ, 2 × 3 हुआ, 2 × 4 हुआ, ये भी सब वाइब्रेशन नंबर है 2, 4, 6, 8। 3 के जितने भी आपका सिंगल मल्टीपल है 3, 6, 9, 10 से नीचे, ये भी वाइब्रेशन नंबर है। 8 का कोई मल्टीपल नहीं है, 8 का 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का भी 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपका 3 और 8 को छोड़ के जो बाकी के जो वाइब्रेशन नंबर निकले 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8, ये 8 तो ऑलरेडी है, तो ये भी एक एक वाइब्रेशन नंबर है। इसी हिसाब से अगर देखें तो जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे बनाया गया 5, 6, ये भी वाइब्रेशन नंबर है, सिर्फ 7 नहीं आता है। 7 में हम बोले 15 पैसे की जगह में अगर 20 पैसा होता तो ये भी 3 निकलता। तो ये वाइब्रेशन नंबर तो इसे निकल आया। देखे कि जितने भी मंथली हाईज बने, लोज बने, इसमें पूरा परफेक्टली मैचिंग हो रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कभी कभार मान लीजिए अभी हम इसको लेके प्रेडिक्शन करेंगे, मान लीजिए नवंबर में जो हाई बना या लो बना या नवंबर में जो भी क्लोजिंग हुआ, मान लीजिए 18,350 में नवंबर में क्लोजिंग हुआ, मैं बोल रहा हूं पिछले जितने भी हाईज बने हैं, ध्यान दीजिए इस वर्ड को, पिछले जितने भी हाईज बने हैं वो सभी का वाइब्रेशन नंबर 3 है। यानी कि ये नवंबर का क्लोजिंग है, नवंबर 2022 का ये क्लोजिंग है, 2022 का क्लोजिंग है ये क्लोजिंग। तो इसका मतलब ये होता है जो भी दिसंबर में हाई बनेगा ये 18,350 से ज्यादा होना चाहिए, हाई होगा इससे ज्यादा होगा, तो 18,350 से ज्यादा होना चाहिए एंड उसका वाइब्रेशन नंबर 3 होना चाहिए, तो वो बन जाएगा नवंबर का, दिसंबर का हाई।
उसी हिसाब से जो भी लो बनेगा दिसंबर में वो इससे नीचे होना चाहिए, 18,350 के नीचे में, एंड उसका वाइब्रेशन नंबर 8 होना चाहिए, तब जाके वो दिसंबर का हाई एंड लो बनेगा। कभी कभार क्या होगा, मान लीजिए 18,350.65 ये हो जा रहा है मान लीजिए 3, तो क्या हम इसको 0.65 को टॉप मानेंगे? नहीं मान सकते। उसी हिसाब से अगर ये आ रहा है 18,325.15, क्या हम इसको बॉटम मानेंगे डिसेंबर का? नहीं मान सकते, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज को भी लिया जाता है एंड डेसिमल वैल्यूज को हम छोड़ भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो वाइब्रेशन नंबर कौन सा लार्ज इंटीजर या बड़ा इंटीजर या बड़ा प्राइस वैल्यू, कौन सा बड़ा प्राइस वैल्यू को हम वाइब्रेशन नंबर से निकला भी हुआ होगा एंड वो टॉप भी बनने वाला होगा, वो कैसे निकालेंगे, उसका लॉजिक क्या है, वो सारे चीज में आप लोगों को जनवरी 2023 का वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें और बहुत सारे ज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है उसका हेल्प से, उसके मदद से हम करेक्टली ये डिफाइन करेंगे हाईज कब बनेंगे, लोज कब बनेंगे, उनका टाइमिंग्स यही वाइब्रेशन नंबर से। हाईज का प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, लोज का प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, वो भी वो सारी चीज मैं जनवरी 2023 का वेबिनार में आपको रिवील करूंगा। एंड ये जो वाइब्रेशन नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसको आप बहुत जितने भी स्टॉक आपके आप जानते हैं, जो भी स्टॉक्स का आप देखेंगे, जितने भी स्टॉक्स का, चाहे इंडेक्स का हो, कहीं स्टॉक्स का हो, कमोडिटीज के हो, क्रिप्टो करेंसीज के हो, वो सारे जो नंबर्स के हैं, जैसे मैंने मंथली वाइब्रेशन नंबर निकाला, आप वीकली निकालिए, आप डेली इंट्राडे का भी निकालिए वाइब्रेशन नंबर, आप दूसरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट का भी निकालिए, निकाल के देखिए क्या ये एक प्रॉपर पैटर्न मैचिंग, मैथमेटिकल पैटर्न या मैथमेटिकल मैचिंग क्रिएट करता है। आप इसको ये छोटा सा मैथमेटिक्स से इसको जस्ट ऐड ही करना है, सारे जो इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो उसी हिसाब से आप इसको निकालिए, देखिए क्या ये वाइब्रेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है या नहीं। अगर ये काम करता है तो जनवरी का जो प्रोग्राम होगा उसमें ज्वाइन होइए, उसमें इन डिटेल आप सीखेंगे इसके ऊपर में, एंड आपको आपका प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम के लिए, आपका जो फोरकास्टिंग के लिए, प्राइस एंड टाइम फोरकास्टिंग के लिए ज्ञान का ये मेथड आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए, एंड ज्ञान के अगर कंप्लीट जो कोर्स है उसमें ये वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी ऐड नहीं किया गया है, जब हमारा प्रोग्राम्स हो जाएंगे तो वो कोर्स भी ऐड कर दिया जाएगा। एंड ये जो ज्ञान के वाइब्रेशन वाला वाइब्रेशन नंबर को कैसे यूज करें ये तो जनवरी के बाद में ही मिलेगा, बट जो अलग कॉन्सेप्ट है, हेक्सागन हुआ, टेट्राहेड्रन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान के जो मेथड हुए, ज्ञान का नेचुरल कॉन्स्टेंट का हुआ, ये सारे मेथड बहुत बढ़िया काम करते हैं, ये सारे मैथमेटिकल मेथड है, इसमें कोई भी अम्बिग्यूटी नहीं है, ये सारे चीज गणित के कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप चाहते हैं तो ये कोर्स आप प्रोक्योर कर सकते हैं, हमारा साइट विजिट कीजिए, प्रोडक्ट के लिंक में आपको ज्ञान के कोर्स के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं, एक 40 घंटे का कोर्स रहेगा। वाइब्रेशन नंबर के ऊपर में ज्यादा जानकारी आपको जनवरी 2023 का वेबिनार में मिलेगा, तब तक आप हमारे साइट में कनेक्टेड रहिए, वेबिनार लिंक में इसका डिटेल्स दिए जाएंगे, कब होगा जनवरी में, क्या प्राइसिंग रहेगा, तो आप उस समय में इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।